आपका एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल केडी गाइडिंग में। हम आपके लिए एक अनसुलझा रहस्य से भरा हुआ वीडियो लेके आए हैं। आखिर जानते क्या है रहस्य इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं कह दें जिसका कोई सटीक प्रूफ या सबूत तो नहीं, लेकिन ये घटनाएं आज भी लोगों के लिए किसी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। ऐसी ही घटना घटी थी 1992 में वेनेजुएला में, जहां एक चार्टर प्लेन DC-4 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो ये प्लेन यहां लैंड हुआ था वो करीब 37 साल पहले गायब हो चुका था। दरअसल ये प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला था और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था। इस घटना का सबूत वो बातचीत है जो कि पायलट और कंट्रोल रूम के अधिकारियों के बीच हुई थी। कंट्रोल रूम के अधिकारी के मुताबिक 1955 में एक कैलेंडर भी प्लेन के पायलट ने उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने प्लेन देखा और पायलट की आवाज़ भी सुनी, यहाँ तक कि उस पायलट का छोड़ा हुआ कैलेंडर भी उनके हाथ में था। इसके बावजूद भी कर्मचारी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं था। उन्होंने भी बताया कि फ्लाइट के लोगों को अभी भी यह लगता था कि वह 1955 में ही हैं और उनकी फ़्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। बाकी एयरलाइन ट्रैफिक कर्मचारी ने भी बताया कि जो प्लेन उन्होंने देखा था वो बहुत पुराने टाइप का था। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ समझ पाते वो प्लेन फिर से उड़ान भरते हुए आसमान में कहीं गायब हो जाता है। इस घटना के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अलौकिक घटना है या ये प्लेन टाइम लूप में फंस गया है। वजह जो भी हो, ये घटना आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। आखिर वो प्लेन 37 साल तक कहाँ था और 37 साल बाद लैंड करते ही वो वापस कहाँ गायब हो गया? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये प्लेन वाकई टाइम लूप में फंसा हुआ है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।